हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। गुड इवनिंग आप सभी को। अच्छी क्या, सब लोग परेशान हैं, इस कोरोना की वजह से बंद हैं घर में और सब बोर हो रहे हैं, क्या किया जाए। चलिए, अभी तक चाय नहीं बनी, जा रही हूँ चाय बनाऊँगी। और पता नहीं डेली रूटीन का ब्लॉग बनाओ, इतनी मेहनत से व्यूज बिल्कुल नहीं आते हैं, कौन सा वीडियो बनाए समझ में नहीं आता, परेशान हो गए हमें। कोई टॉपिक नहीं मिलता, कोई एक टॉपिक दे दे कि इस टॉपिक पे बनाइए आपकी वीडियो चलेगी, तो चलो ठीक है बना डालो दो चार छः। बट अगर टॉपिक ही नहीं समझ में आता कि कौन सी वीडियो हमारी चल रही है कौन सी नहीं चल रही है, तो पता नहीं लगता। और देखिए यहाँ सारा सामान रखा हुआ, वहीं में आके बैठ गई। चलिए, आज पतिदेव की मेहंदी लगाना है उनके बालों में, और मेहंदी नहीं लगाए हैं, गार्निया का लिया है कलर, तो उसे अप्लाई करना है उनके बालों में, क्योंकि क्या है ना, इस समय सब बंद हैं, जितने भी दुकानें थी बाल वगैरह काटने की सब बंद हैं, और बंद रहनी भी चाहिए, खुली भी होती तो भी वैसे जाना ठीक नहीं है। गर्मी रख बहुत ज़्यादा लग रही, पंखा ऑन कर लूँ, फैन, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और फैन चलाने से क्या होता ना, फिर वॉइस इतनी, ये देखिए पंखा के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। 5 मिनट आप लोगों से बातें करी पंखे के बिना, हालत ख़राब हो गई मेरी। अब मैं जा रही हूँ बालों में ऑयल लगाऊंगी, तो उनके बालों में मुझे गार्निया का कलर लगाना है, क्योंकि सब बंद है, और खुला भी होता तो मैं उन्हें ना भेजती लगाने के लिए, क्योंकि घर में सब ठीक है। बाल भी मैंने काट दिए, उनके बाल मैंने नहीं रिकॉर्ड किया कि मैंने कैसे काटा है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आता है जेंट्स लोगों का बाल काटना। वैसे बच्चों का मैं काट देती हूँ, बेटी का अपने और अपना काट लेती हूँ, बट हस्बैंड का तो कभी नहीं काटा था मैंने। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि उनका भी बाल मुझे काटना पड़ा, आगे आगे वो काटे हैं और पीछे का इधर सारा हिस्सा मैंने काटा है उनका, और कलर भी मैंने अप्लाई किया है, तो आप लोग देख के बताइएगा कि कैसा कलर लगाया है मैंने, ठीक किया है कि नहीं। क्योंकि पहली बार मैंने पहली बार काटा है, कलर तो मैं कई बार लगा चुकी हूँ उनके, क्योंकि वो मार्केट से ले आते हैं, कलर लगवा लेते हैं मुझसे ही, कहेंगे कलर लगा दो, आओ तुम ही लगा दो कलर, तो यही सारा है। और बच्चे मांग रहे हैं वाटर मिलन आया था, तो कह रहे हैं काट के मम्मी दे दो, तो जा रही हूँ उनको काट के दूँगी, और फिर देखती हूँ और क्या करती हूँ। चलिए फिर, बने रहिएगा वीडियो में। जो लोग न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है ब्लॉग मेरा, और फिर मिलती हूँ कुछ देर बाद आप लोगों से। तो बस हसिया से काट के देना पड़ रहा है, चाकू पता नहीं बच्चों ने कहाँ फेंक दिया है, मिल ही नहीं रहा है। ये देखिए, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है केवल हसिए की वजह से, थाली में रख के काट नहीं पा रही हूँ हसिए से, चाकू होता तो काट लेती, और इसका वाटर भी नीचे गिर रहा, आप लोग देख ही रहे हो। तो वैसे अभी ये मॉर्निंग है, 10-11 बज रहे हैं, क्योंकि ये अगले दिन का ब्लॉग है जब मैं अभी आप लोगों से बातें करी हूँ, ये अगला दिन है, मतलब फ्राइडे का ब्लॉग है जो अभी आप लोग देख रहे हो, जब मैंने अभी बातें की है आपसे वो सैटरडे का है। तो ये मॉर्निंग है, 10 AM है, और अभी खाने का तो ये टाइम नहीं, इसे इवनिंग में ज़्यादा खाने में मज़ा आती है, बट बच्चों का क्या है ना, इनको कोई टाइम से मतलब नहीं है, जो इनका फेवरेट है, जो इन्हें पसंद है, निकाट के दे दो, बना दो बस। तो इन लोगों को दे रहे हैं, ये लोग खाएंगे नमक डाल डाल के, हम लोग बाद में खाएंगे कुछ देर बाद। और अभी मैं लगाने जा रही हूँ गार्निया का कलर हस्बैंड के बालों में, वो हमेशा मेहंदी लगवाते थे, इस बार बोल रहे हैं कलर करना है मुझे, तो मैंने कहा कर लीजिए, और रेड वाला ले आए हैं, रेड वैसे मुझे नहीं पसंद बिल्कुल, बट वो भी फर्स्ट बार लगा रहे हैं इसे रेड वाला, क्योंकि ब्राउन सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे भी, और मैं तो कभी कलर करती नहीं हूँ बालों में, ना कभी मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब सारी चीज़ें सूट नहीं करती हैं। जब भी मुझे लगेगा कि मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं तभी मैं लगाऊंगी, अभी फ़िलहाल जो शौक होता है, फैशन होता है, वो मेरी आदत नहीं है, सब चीज़ों में ज़्यादा पैसा नहीं वेस्ट करती हूँ। हाँ, कभी बाल अगर पक जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, तो ज़रूर लगाऊंगी। और ये लोग सब फैशन की वजह से लगाते हैं, सबको भाई, सबकी अपनी अपनी अलग हैबिट होती है, मैं हंस रही हूँ,
और ये बोल रहे हैं कि अच्छे से लगाना, क्योंकि ये पहली बार ये लाल वाला कलर लगा रहे हैं। हमेशा ब्राउन वाला मेहंदी लगाते थे, कलर भी लगाते थे, ब्राउन ही लगाते थे। इस बार रेड, मतलब फर्स्ट बार खुद पर ट्राई कर रहे हैं कि मेरे ऊपर सूट करेगा कि नहीं, तब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है इनके ऊपर। और मैं खूब हंस रही हूँ, इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि इनका सर इधर उधर करके मैं लगा रही हूँ, तो बार बार बोल रहे हैं कि बस ये अंतिम बार है लगवा रहा हूँ, तुमसे दोबारा नहीं लगवाऊँगा। क्या है ना, ये सीधे बैठे हैं, बोल रहे हैं बस जैसे बैठा हूँ वैसे ही लगा दो, तो ऐसे नहीं बन रहा। खुशी को देखिए, मेरे चार बार आ चुकी है, कुछ ना कुछ इन लोगों को घर जाता है। काम, किसी काम में मतलब बिजी हो जाओगे ना तो बच्चों का क्या है ना, कोई ना कोई चीज़ घटती ही रहती है और फिर परेशान करेंगे ये लोग। तो ये बार बार आ रही है, कुछ ना कुछ बता रही है कि ये करना है वो करना है। शायद सब्जी वाला आया है बाहर, तो वो भी आते हैं तो हम लोग को सब्जी दे के चले जाते हैं हमारे घर के बाहर ही। इसमें बाहर हम लोग नहीं जाते हैं ज़्यादा, तो गांव से लेके आते हैं सब्जी, हमारे घर में पहले दे देते हैं और भी जो लोग लेते हैं उन्हें दे देते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं। तो शायद वही आए हैं, तो उन्हीं को बताने आई थी कि मम्मी सब्जी लेना है कि नहीं, तो पापा बोल रहे हैं हाँ जाके ले लो। और देखो शिवा कहीं गया था पापा के साथ, तो मास्क अपना दरवाजे पर लगा दिया है तो मास्क वहाँ लगा हुआ है। और मैं कलर भी लगा रही हूँ, बातें भी कर रही हूँ, और ये देख रहे हैं कि सही से लगा रही है कि नहीं। क्या है ना, दुकानें सब बंद हैं और सब कुछ घर में करना पड़ रहा है। बाल भी मैंने ही पीछे के काटे हैं और आज मैंने ही कहा बहुत अच्छे से कलर लगाऊंगी, आप एकदम सज जाओगे, तो बोल रहे हैं हाँ हाँ तुम्हारी भी परीक्षा ही है वो देखो कभी इनका मुंह पकड़ रही हूँ, कभी कान के पी, क्या करूँ ना, कलर है इधर उधर गिर जाएगा तो भी चिल्लाएंगे कि मतलब बनियान में पड़ गया मेरे, मतलब पीछे पड़ गया, मतलब चिल्लाएंगे। इसलिए इनका सर पकड़ती हूँ, कभी बाल पकड़ती हूँ तो कह रहे पकड़ पकड़ के मत लगाओ। फैन में कह रही हूँ ऑन कर दूँ जिससे सूखता भी जाए, क्योंकि 30 मिनट के लिए इसे लगा के रखना है, उसके बाद धुल लेना है। जो पैक था ना उसी में लिखा है कि 30 मिनट के बाद आप अपने बाल धुल लीजिए। और ये मैंने अभी कंघी की तो मुझे लगा जैसे पेंट नहीं होता है वैसा कलर है, ये फर्स्ट बार मैं अपने हाथों से इसे लगा रही हूँ। बहुत सारे प्रचार मैंने देखे हैं बट अप्लाई पहली बार कर रही हूँ। देखो मैंने लगाया है कैसा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और मैं इन्हें हंस रही हूँ, बता रहे हैं कि पहली बार लगाया है मैंने। आपको यही था वीडियो, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो कल का सूट था, मैंने कल सूट किया था। और इन दोनों को देखिए, इन लोगों को आधा घंटे के लिए मोबाइल मिलता है गेम खेलने के लिए, तो देखो कैसे भिड़े हैं दोनों ये सिर्फ आधे घंटे की परमिशन है तो बिल्कुल अभी पढ़ के उठे हैं, बोल रहे थे मम्मी अब हम खेल लें गेम। मैंने कहा चलो खेल लो, बच्चों को शर्त लगाना, मतलब बच्चों के लिए काम बताना बहुत ज़रूरी है कि आप ये वाला काम करोगे अच्छे से तब हम आपको ये वाला काम करने के लिए देंगे। मतलब गेम खेलते हैं या खेलने के लिए कुछ बोलते हैं तो एक शर्त दे दो कि बच्चों अगर तुम 2 घंटे पढ़ाई करोगे तो 15 मिनट आधा घंटे के लिए आपको गेम खेलने के लिए मिलेगा, तब ठीक है। नहीं तो बच्चों का क्या है ना, बच्चे गेम मोबाइल पा जाएंगे तो गेम तो खेलने लगेंगे। बच्चे हैं फिर उन्हें कहाँ ज्ञान है कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, हम क्या करेंगे क्या ना करेंगे, तो हमें ही नियम डालना है बच्चों के लिए। तो शोर मत मचा बच्चों, तो इन लोगों को मैंने कहा कि 1 घंटे पढ़ो शाम 1 घंटे सुबह, तब तुम्हें आधे घंटे के लिए मोबाइल गेम खेलने के लिए मिलेगा। तो अभी इनका टाइम है गेम वाला तो ये लोग खेल रहे हैं। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, जो वीडियो अभी मैंने दिखाया आपको वो कल का सूट है, मैंने कल सूट किया था, कल मैंने अप्लाई किया था। और ये मैं आज बोल रही हूँ, आज सैटरडे, वो फ्राइडे का ब्लॉग था जो आप लोगों ने अभी देखा। चलिए फिर मिलूंगी कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और प्लीज़ वीडियो वॉच करते रहिए अगर घर में टाइम मिले तो। बाय बाय।